इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर जानेंगे कि बीजेपी ने एक बार फिर से लोकतंत्र को कुचला। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हार देख करके चुनाव ही स्थगित किया है। इंडिया गठबंधन के पास में था बहुमत, और वहीं जानेंगे कि पार्षदों को तोड़ करके चुनाव करवाना चाहती है बीजेपी। आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप। इसके साथ ही दोस्तों अगली खबर में जानेंगे कि ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं वकील, और वहीं सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगाए हैं नारे। क्या कुछ है पूरी खबर विस्तार से पहुंचाएंगे आप तक। इसके साथ ही दोस्तों राहुल गांधी की यात्रा पहुंची असम, उमड़ा है जनसैलाब, लोग बोले अगले पीएम राहुल गांधी होंगे। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबर दोस्तों एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी दोस्तों खुले तौर पर यही मानते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए बैलेट पेपर के जरिए मतदान होना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #वीसपोर्टबैलेटपेपर जरूर कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें, बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव अगले आदेश तक स्थगित कर दिए गए हैं। बताते चले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की जीत यहां पर चुनाव में तय थी, और वहीं पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर कहा कि हम आज भी चुनाव प्रशासन से यही विनती करेंगे कि अगर एक पीठासीन अधिकारी बीमार हुआ है तो दूसरा पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाए। चुनाव आज निर्धारित थे, भाजपा पहले चुनाव सचिव को बीमार करती है और फिर पीठासीन अधिकारी को बीमार करती है और फिर चुनाव रद्द करती है। यह साफ दिखाता है कि कायर भाजपा इंडिया गठबंधन से डर गई है। दरअसल दोस्तों बताते चलें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन से मेयर चुनाव के सारे ही समीकरण बदल गए हैं। दोनों में गठबंधन होने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 20 वोट हो जाते हैं, जबकि मेयर बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 19 का है। ऐसे में पिछले कई वर्षों से मेयर की कुर्सी पर बैठी भाजपा की बादशाहत अब खतरे में नजर आ रही है, इसीलिए यहां पर चुनाव ही स्थगित करवा दिया गया है पार्टी की तरफ से। ये आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें, ईवीएम के विरोध में एक बार फिर से सड़कों पर उतर चुके हैं वकील, बुद्धिजीवी और एक्टिविस्ट, लगाए गए हैं जोरदार नारे कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करो, देश तुम्हारे साथ है। ये यहां पर नारे लगाए गए हैं दोस्तों। बताते चलें देश के कई जाने माने वकीलों की तरफ से, बुद्धिजीवियों की तरफ से मोर्चा खोला गया है ईवीएम के विरोध में। दिल्ली में प्रदर्शन लगातार जारी है, और उनका कहना है कि 24 का चुनाव बैलेट पेपर से करा करके दम लेंगे। इतना ही नहीं, अब ये यहां पर विरोध प्रदर्शन देश के अन्य जगहों पर भी देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, नागपुर में जलाई गई ईवीएम की डेमो, लोगों में भारी आक्रोश है, और यहां पर एक यूजर ने यहां पर कमेंट किया कि मोदी जी से निवेदन है कि वो जनता की आवाज सुने और ईवीएम को हटा दें, जिससे कि लोकतंत्र बचा रहे। ये यहां पर खबर है दोस्तों। जो अगली अपडेट आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले दोस्तों आप लोग भी अपनी राय जरूर ही बताइएगा कि आप लोग ईवीएम के समर्थन में खड़े हैं या बैलेट पेपर के समर्थन में। इसके साथ ही अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, असम से खबर आ रही है, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के असम में प्रवेश पर नागालैंड से असम को झंडा यहां पर सौंपा गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पांचवें दिन असम में पहुंची है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम के लोगों से भरपूर प्यार मिल रहा है। राहुल गांधी ने असम में यहां पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा पर जोरदार हमला बोला है, और कहा है कि भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है। ये यहां पर राहुल गांधी असम पहुंचते ही बीजेपी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अभी तक नहीं की है। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है बताते चले, बेहद ही बड़ा खुलासा दोस्तों यहां पर सामने निकल के आया है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद का निपटारा अदालत के बाहर हुआ था। शंकराचार्य ने स्पष्ट शब्दों में खुलासा किया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जमीन पर अपने सभी दावे वापस ले लिए थे, और ये यहां पर समझौता कोर्ट के बाहर हुआ था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया, उसने केवल सहमत शर्तों को यहां पर पढ़ा। ये यहां पर शंकराचार्य ने दोस्तों बेहद ही बड़ा खुलासा किया है।
इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चले, जो अगली अपडेट आ रही है बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। लगातार बीजेपी की तरफ से विपक्षी नेताओं पर दबाव डाला जा रहा है कि वे यहां पर कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करें। इसी क्रम में खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में गृह मंत्री रह चुके सुशील कुमार शिंदे ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि हम कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी ने मेरे साथ मेरी बेटी प्रणीति को भी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस हमारे खून में है, हम कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। यह यहां पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है। लगातार उन पर दबाव डाला जा रहा था कि वे बीजेपी ज्वाइन करें, लेकिन उनका दो टूक जवाब सामने निकल के आया है कि कांग्रेस उनके खून में है और वे इसी विचारधारा के साथ में आगे बढ़ेंगे, इस विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे। ये यहां पर दोस्तों खबर है। कांग्रेस पार्टी को आज की तारीख में ऐसे ही नेताओं की जरूरत है जो कि किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़े रहे, ना कि सत्ता के लालच में बीजेपी ज्वाइन कर ले। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ममता बनर्जी 22 जनवरी को कोलकाता में सभी धर्मों के लोगों के साथ में सद्भावना रैली निकालेंगी। भाजपा ने रैली के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है। बीजेपी की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। ममता बनर्जी की रैली रोकने के लिए कोर्ट यहां पर पहुंच चुकी है भाजपा। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब भेजा है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक बीजेपी का मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार कराना है, लोकसभा के चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। ईडी ने लिखा है कि केजरीवाल आरोपी नहीं, फिर समन और गिरफ्तारी आखिर क्यों? भ्रष्ट नेता बीजेपी में चले जाते हैं, उनके मामले बंद कर दिए जाते हैं। बताते चले यहां पर, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, हमारा कोई नेता बीजेपी में नहीं जाएगा। ये यहां पर अरविंद केजरीवाल ने दो टूक जवाब ईडी को भेज दिया है। ईडी की तरफ से उनको समन चौथा यहां पर भेजा गया था और पेशी की यहां पर बात कही गई थी, लेकिन केजरीवाल आज भी पेश नहीं होंगे, ये यहां पर उनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। असम पहुंची है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा यह यात्रा असम के लोगों के लिए उमंग, उत्साह और समन्वय की यात्रा बन चुकी है। यहां के लोग परेशान हैं क्योंकि यहां की सरकार गरीबों किसानों की सरकार नहीं बल्कि कोयला माफिया पत्थर माफिया की सरकार है। इस वक्त लोगों के बीच में एक हताशा है जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राहुल गांधी दूर करने में सक्षम हो चुके हैं। ये यहां पर कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई की तरफ से बयान सामने निकल के आया है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।